साधु महापुरुष जो सब कुछ छोड़ करके परमात्मा के बन जाते हैं, जिनको लक्ष्मी की चाह नहीं होती है, जिनको नारायण की चाह होती है, लक्ष्मी फिर उनके पीछे पीछे घूमती है। बड़े बड़े मठ हैं हमारे यहाँ, बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। आश्चर्य होता है कि हमारा घर खर्च नहीं चलता, हम एक छोटा सा घर नहीं चला पाते और इतने बड़े बड़े ये संस्थान कैसे चलते हैं। वहाँ पर वही बात है, प्रभु कृपा है, उन्होंने लक्ष्मी को छोड़ा है, नारायण का चिंतन किया है, तो लक्ष्मी फिर दौड़े दौड़े अपने आप उन आश्रमों में आती है, उन साधुओं के पास आती है कि तुमने नारायण को रख लिया है, नारायण मेरे पति हैं, मुझे भी अपने पास रखने की कृपा करो। पुनः समुद्र मंथन हुआ है और उससे फिर वारुणी निकला है, मदिरा निकली है, शराब निकली है। आप लोग यहाँ पर जितने बैठे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई यहाँ पर मदिरा पान करता होगा। चैनल के माध्यम से भी ये कथा पूरे विश्व में जा रही है। जो लोग मदिरा पान करते हों वो यहाँ पर देखना, ये मदिरा किसको दी गई है? दैत्यों को दी गई है। मतलब क्या है, ये मदिरा किसके लिए बनी है? दैत्यों के लिए। मनुष्यों के लिए नहीं बनी है, देवताओं के लिए नहीं बनी है, ये मदिरा दैत्यों के लिए बनी है। इसलिए जो भी मदिरा पीता है उसमें और राक्षस में कोई भी अंतर नहीं है। और आप देखो ना, मदिरा को क्या कहते हैं? शराब कहते हैं। और शराब अपने आप में क्या कहती है? तीन अक्षर हैं, स रा ब। स का मतलब सत्य प्रतिशत, रा का मतलब राक्षसों जैसा, और ब का मतलब बनाने वाली। जो सत प्रतिशत आपको राक्षसों जैसा बना दे उसका नाम शराब। तो राक्षस बनना हो तो पियो, और यदि देव बनना हो, मनुष्य बनना हो तो दूर रहो इससे, बहुत खराब है। हमारे यहां नीति शास्त्रों में सात चीजों के नाशों का कारण बताया गया कि ये सात चीजें क्यों नष्ट हो जाती हैं, राजा क्यों नष्ट हो जाता है, बिना नीति के राजा नष्ट हो जाता है, धन क्यों नष्ट हो जाता है, बिना धर्म के धन भी नष्ट हो जाता है। धन के साथ यदि धर्म नहीं होगा तो वो धन भी बहुत लंबा नहीं चलता है, धन भी नष्ट हो जाता है। विवेक के बिना विद्या समाप्त हो जाती है, कुसंग से संन्यास समाप्त हो जाता है, अहंकार से ज्ञान समाप्त हो जाता है, और शराब से, मदिरा से वंश नाश हो जाता है। इसलिए जो सत्पुरुष हैं वो सत्पुरुष कभी भी इस ओर नहीं चलते। ये वारुणी, ये मदिरा राक्षसों को दे दी गई। ग्यारहवा रत्न शंख निकला, बारहवां केला निकला, तेरहवां धन्वंतरी जी, और चौदहवां ये अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी जी। चौदहवा रत्न ही अमृत था। जो ही अमृत का प्राकट्य हुआ, देवता तो बल, दैत्य तो बलवान थे ही थे, उन्होंने मारा झपट्टा और धन्वंतरी जी से अमृत लेकर के भाग गए। देवता हाथ मलते रह गए कि भगवान ये क्या हुआ। भगवान विष्णु से पूछा, आप तो कह रहे थे कि अमृत हमें मिलेगा और ये अमृत तो दैत्य ले गए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, ये अमृत ले जरूर गए हैं लेकिन ये अमृत इनको मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है, मेरे चरणों से जो दूर हो जाता है उसके पास भले सब कुछ हो है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, और मेरे चरणों में जो बना रहता है उसके पास भले कुछ न हो, मैं उसको सब कुछ दे देता हूं। ये अमृत लेकर के गए हैं, इनको अमृत नहीं मिलेगा, अमृत किसको मिलेगा? तुमको मिलेगा। और भगवान अंतर्ध्यान हुए और राक्षसों ने थोड़ी देर में तो क्या देखा, एक बहुत सुंदर स्त्री वहां से चली आ रही है, उसके पीछे पीछे हो लिए। देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या तुम्हारा नाम है, क्या तुम्हारा कुल है, तुमसे क्या मतलब? का देवी, मतलब तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये अमृत का कलश है, आपस में हम में बंटवारा नहीं हो पा रहा है, हम देवताओं से छीन के तो ले आए हैं लेकिन आपस में हम बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं, छीना झपटी मची हुई है, तुम कृपा कर दो, बांट दो। पहले तो भगवान ने थोड़ा सा मना किया, थोड़ा उन पर प्रभाव जमाने के लिए, वो समझ गए कि ये देवी कोई बहुत ऊंचे कुल खानदान की है, बहुत श्रेष्ठ है। देवी अब तुम तुम्हारे हाथ का बांटा हुआ ही अमृत पियेंगे। भगवान तो इसीलिए आए थे मोहनी बनकर के। भगवान ने कहा, बैठो पंक्तिबद्ध होकर के। उतने में देवता भी आ गए,
भगवान ने दैत्यों से कहा कि देखो ऊपर ऊपर का थोड़ा ये पानी पानी है ना, ये मैं देवताओं को पिला देती हूँ, गाढ़ा गाढ़ा फिर तुमको पिलाऊंगी। और भगवान ने देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। एक स्वर्वान नाम का दैत्य था, उसने सोचा जरूर गड़बड़ है, देवी मुस्कुरा बहुत रही हैं, गड़बड़ जरूर कुछ है। देवताओं के बीच में जाकर के बैठ गए। सूर्य और चंद्र ने बताया, भगवान ने शिर छेदन कर दिया, राहु केतु बना है। और इस तरह से भगवान ने वह विष देवताओं को पिलाया, देवता मजबूत हुए, बलशाली हुए, भयंकर वहां पर युद्ध हुआ। तत्र देवासुर नाम रण परम दारुण, भयंकर वहां पर युद्ध हुआ, देवताओं की विजय हुई, देवताओं को स्वर्ग मिला, दैत्य परास्त हुए, लेकिन दैत्यों ने गुरु महाराज के चरण नहीं छोड़े। जीवन में संकट आए तो प्रयास करना, आप भगवंत और संत का संग मत छोड़ो। बहुत से लोग जब जीवन में संकट आता है ना, तो वो भगवान की तरफ से नास्तिक बन जाते हैं, गुरुओं से वो विमुख हो जाते हैं। नहीं, आप उनके चरणों को पकड़े रहना, बहुत जल्दी आप उस विपत्ति से बाहर निकल करके आओगे। और उनका संग छोड़ दिया तो कहां गर्त में गिरोगे तुम्हारा कोई पता नहीं चलेगा। अधिकतर जब हमारा बुरा समय आता है तो हमारे अंदर कुबुद्धि जगती है कि ये बुरा समय आ गया, इतना पूजा करने के बाद भी मेरा बुरा समय आ गया, इसका मतलब भगवान कुछ नहीं करता है, ये बाबा लोग कुछ नहीं करते हैं, भगवान को भी छोड़ देता है, संत को भी छोड़ देता है। नहीं, बुरा समय आए तो ज्यादा इनके पास रहो, क्योंकि इनके पास जितना ज्यादा रहोगे उतना आपका बुरा समय आपको प्रभाव नहीं डालेगा और उतनी जल्दी आप बुरे समय से निकल करके बाहर आओगे। लेकिन आपका वो दुर्भाग्य आपको भगवान से और संत से दूर ले जाता है। मैंने कई बार ऐसा देखा है, मेरे पास लोग आते हैं महाराज, कष्टों का वर्णन करते हैं, कष्ट हैं, हम कहते हैं कुछ करते को पूजा महाराज पहले करते थे, अब हमने छोड़ दिया। तो मैं कहता हूं कि जरूर करो, इस समय तो विशेष करना चाहिए, क्योंकि दुखों को दूर नहीं किया जा सकता है रो करके, दुखों को दूर नहीं किया जा सकता दुखों का चिंतन करके, दुखों को दूर किया जा सकता है भगवत चिंतन करने से। चिंता करने से दुख दूर होते हैं क्या समझते हैं आप लोग? चिंता करने से दुख दूर होते हैं? नहीं, परमात्म चिंतन करने से दुख दूर होंगे। तो जिस समय दुख आए उस दुख में ज्यादा से ज्यादा परमात्म चिंतन। शरीर व्याधि आए तो भगवान शंकर का जरूर ओम त्रयंबकम यजामहे, इसका जरूर जप करना चाहिए शरीर व्याधि में, उससे बहुत जल्दी में आराम मिलता है। और आर्थिक कुछ जो भी है, अपने इष्ट जो भी आपका इष्ट है, उस इष्ट का ज्यादा से ज्यादा चिंतन भजन करो, फिर आप देखना क्या प्रभाव पड़ता है। देवताओं को स्वर्ग मिला, देवता अहंकार में भर गए, भगवान को भूल गए, लेकिन दैत्यों ने गुरु महाराज के चरणों को नहीं छोड़ा। दैत्यों के गुरु महाराज के चरणों में, शुक्राचार्य के चरणों में पड़े रहे तो गुरु महाराज प्रसन्न हुए, ब्राह्मण प्रसन्न हुए, संत प्रसन्न हुए, और उन्होंने अपनी तपस्या से एक दिव्य रथ उनको दिया और उन्होंने पुनः स्वर्ग पर जाकर के आधिपत्य कर लिया। भगवान को भूल जाओगे तो मिला हुआ भी चला जाएगा, और भगवान को याद रखोगे तो गया हुआ भी आप वापस मिल जाएगा। समझा आप लोगों को? सूत्र समझ में आ रहा है? भगवान को भूल जाओगे तो मिला हुआ भी चला जाएगा, और भगवान को याद रखोगे तो गया हुआ भी वापस आ जाएगा। याद रखें, हर क्षण हर परिस्थिति में सुख आए तो भी परमात्मा है और दुख आए तब भी। देवता लोग परेशान है, आप ऐसा मत समझना कि आप ही लोग परेशान होते हो, देवता भी परेशान होते हैं। जहां कामना है वहां परेशानी है, देवता भी कामना वाले हैं तो देवता भी परेशान हैं। भगवान श्रीहरि की शरण में गए, भगवान श्रीहरि ने कहा प्रतीक्षा करो। यहां पर परीक्षित पूछते हैं गुरु महाराज से कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान वामन बनकर के आए हैं, उस विराट को, वो सबसे बड़े को बहुत छोटा बनकर के आना पड़ा, और तीन पग के बहाने भगवान ने सब कुछ ले लिया, ऐसा भगवान ने क्यों किया?
जिसने आपको पत्ते दिए, जिसने आपको जल दिया, उसको तो आप बहुत कुछ दे देते हो, और जिसने सब कुछ दिया उल्टा उस बलि को भगवान ने बांध दिया, ये सब ऐसे कैसे, क्या मेरी समझ में नहीं आ रहा। समझ से परे की बात है, थोड़ा आप हमें बताने की कृपा करें कि उस विराट को बामन बनकर के क्यों आना पड़ा, और बामन बनकर के आ भी गया तो उस बलि ने जिसने सब कुछ दिया था उस बलि को फिर बांधा क्यों। एतद् वेत मिच्छामो महत कौतूहलिनः, भगवान मुझे बहुत कौतूहल है, आप बताने की कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बेटे दुखी हो तो मां कभी भी सुख में रह नहीं सकती है। देवताओं की मां बहुत परेशान है, भगवान श्रीहरि की उपासना की है पति के कहने से मां आदिति ने, भगवान प्रसन्न हुए, मेरे बेटों का दुख दूर हो, मेरे बेटों का राज्य वापस मिले, ऐसी आप कृपा करें। भगवान ने कहा, मां मैं दैत्यों से इस समय जीत तो नहीं सकता हूं, बलि महाराज जो है वो विश्व विजयी हैं, बलि महाराज को जीता नहीं जा सकता है, लेकिन एक काम जरूर मैं कर सकता हूं, बलि के आगे भिक्षुक मां भिक्षुक बन करके तुम्हारे पुत्रों का वो राज्य वापस भिक्षा में मांग सकता हूं। लड़ नहीं सकता, क्यों नहीं लड़ सकता हूं, क्योंकि बलि महाराज पर गुरु कृपा है, काल की कृपा है, इसलिए बलि से मैं जीत नहीं सकता हूं, भिक्षा में जरूर मांग सकता हूं। आप प्रतीक्षा करना समय की, मां प्रतीक्षा कर रही है, और समय आया है, भादों का महीना आया है, शुक्ल पक्ष आया है, द्वादशी तिथि आई है जिसको विजया द्वादशी कहते हैं, और भगवान मध्याह्न में ठीक 12 बजे भगवान श्रीहरि चतुर्भुज रूप में बामन बनकर के प्रकट हुए हैं। बोले बामन देव भगवान की।